press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे आरिफ अजाकिया साहब को, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर उनका दिल भारत के लिए धड़कता है। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बहादुर मुस्लिम महिला और सशक्त नेता शाजिया एलमी जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। अवैसी के बेटे ने अभी 2 साल पहले कैलिफोर्निया से MBBS किया। इनके बच्चे अमेरिका यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी आम मुसलमानों को प्रोटेस्ट में बुलाते हैं, कहते हैं लड़ो झगड़ो जिहाद करो सब कुछ करो, अपनी फैमिली को कभी लेके नहीं आते। तो क्या मुसलमानों को ये नजर नहीं आता, वो उनसे सवाल नहीं करते कि भाई आपका परिवार कहाँ है? आपने मेरी दिल की बात कही है अरे भाई, मुझे इतना तकलीफ होता है। मैंने इस पर बोला बहुत है। देखिए ये है ना, ये एक वोट जिहाद तो एक आ गया है, एक नया कॉइनेज हो गया है, लेकिन ये वोट जिहाद की ही सोच है कि हमारा बेटा तो कैलिफोर्निया जाएगा MBBS करेगा। जो और मुसलमान हैं जो मेरी तरफ देखते हैं, मैं जिनकी रहनुमाई करता हूँ, उनके बच्चे तो पत्थर फेंकने के काम में आएंगे, जिहाद करने के काम में आएंगे। उनका कुछ वजूद नहीं होना चाहिए, उनको तालीम और रोजगार से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। उनका काम सिर्फ एक है, हमको जिताना। हम तो रहनुमा बने रहेंगे। वो चाहते नहीं है कि खुद मुख्तार हो बाकी कोई मुसलमान, और ये ऐसी खराब सोच है। और मुझे इतना तकलीफ होती है इस सोच से। और सोचिए ऐसे लोग हैं यहाँ पे, जो आपने पॉपुलेशन पर अभी डेटा देखा होगा नया, तो अब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छा, अगर क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी मुसलमानों की तो उनकी तो वोट बैंक बढ़ रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मुसलमानों के लिए इससे कितना नुकसान है। आप देखिए, अगर उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके रहने देने को लेकर, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, लेकिन नहीं, वो अंधकार में रहे, वो गरीबी में रहे, वो जहालत में रहे, वो आगे ना बढ़े, वो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में ना आ जाए, उसको कुछ फायदा ना मिले, वो बिल्कुल मेरे अंडर रहे हमेशा, ताकि मेरा बेटा तो जाए कैलिफोर्निया और वहां से MBBS करे, उनका बेटा तो बस इधर उधर मारा फिरे, मदरसा जाए या इधर जाए, और फिर मेरे सामने आकर हाथ जोड़े और कहो हमारे को जॉब दिलवा दो भाई। ये है, ये मेंटालिटी है, और ये हर जगह है। मैं यूपी में रहने वाली हूँ, कानपुर में रही। हमारा सबसे पुराना उर्दू का अखबार है सियासत जदीद, देश के जो एक तो सियासत हैदराबाद का है और हमारा सियासत एक वक्त में शुरुआत उसकी हुई थी। तो हमारे वालिद मौलाना इसहाक इल्मी साहब मरहूम, तो अब तब से वो तालीम की बात कर रहे हैं, और आप यूपी में यही हाल और इससे बल्कि बुरा हाल। और आप देखेंगे बिल्कुल फर्क, आप एक मुस्लिम इलाके में जाएंगे और एक नॉन मुस्लिम इलाके में जाएंगे, और आप जो पूरा फर्क है सबके सामने दिखाई देगा। मतलब इट इज सो विजिबल, इट इज सो ऑब्वियस। पता नहीं लोग क्यों नहीं देखना चाहते, क्यों ये झूठ में रहना चाहते हैं, क्यों लोगों को लगता है कि भाजपा अगर बात कर रही है एक सबकी एक बराबर की आइडेंटिटी की और सबको वो सारे हकूक देने की जो एज अ सिटीजन उसको मिलने चाहिए, ना कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की। क्योंकि ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है क्या, कि अंधकार में मुसलमान रह रहा है, गरीबी में रह रहा है। और आप राजेंद्र सचर कमेटी की रिपोर्ट देखिए, आप उससे पहले आप देखिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, क्या बुरे हाल रहे हैं। तो पता नहीं जो पार्टियां अपने को सेक्युलर कहती हैं और मुस्लिम परस्त कहती हैं, उन्होंने क्या हाल कर रखा है मुसलमानों का। मतलब बहुत ही शर्म आती है कहते हुए, और बहुत गुस्सा भी आता है। शाजिया जी, मैं ज़रा जमीला जी से एक सवाल करूंगा। जमीला जी, आप ग्राउंड पे काम करती हैं हैदराबाद में, ख़ास तौर पे वीमेन के लिए, तो आप क्या कहेंगी कि वहाँ की औरतों को क्या वाकई जो से हम सुनते हैं गुलाम बनाया हुआ है? गरीबी का गुलाम, इतनी गरीबी है कि कभी कभी उनको स्कूल से मिड डे मील्स लाकर घर में पूरी फैमिली खाती है, और लोग बाड़े में रहते हैं जिसमें एक एक घर में 10 families या 12 families होती हैं। तो ये, और वहाँ पर इतनी तकलीफ होती है कि लोगों को लगता है कि अब कैसे जिए, हर बार वही परेशानी होती है। पढ़ाई वहाँ पर, पुराने शहर में कोई कॉलेज नहीं है, जो भी कॉलेजेस हैं वो नदिया के उस पार जाना पड़ेगा जो गवर्नमेंट कॉलेज है।
कुछ कॉलेजेस वगैरह जो ओवेसी लोगों ने खोले हैं वो उतने स्टैंडर्ड नहीं हैं जैसे हम नए शहर में देखते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना बहुत मुश्किल है. और गरीबी इतनी है कि एक औरत मुझे विक्टोरिया होटल के पास मिली थी जो प्रेग्नेंट थी और कॉटन च्यू कर रही थी, मतलब कपास खा रही थी. तो हमने पूछा उसको कि क्यों आप ऐसा खा रही हैं, तो बताई कि मुझे भूख लग रही है और मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है. वो एक विडो थी. फिर उसको हम उसको घर ऑफिस लेके आए, बात करे, उससे बताए कि 2 महीने के बाद में आप आइए, हम आपको जो भी आपका लड़का लड़की जो भी होता हम उसको सपोर्ट करेंगे. लेकिन वो औरत 2 महीने के बाद नहीं आई. फिर हम गए उसका घर जान के देख के उसके घर के पास गए, तो वो औरत तो थी लेकिन छोटा बेबी नहीं था वहाँ पर. जब हमने पूछा कि बेबी कहाँ है, तो माँ ने कहा कि मेरी जो 11 साल की लड़की है उसने बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड खींच के मार दिया, ये कह के कि तुम जो जी रही हो वो जी रही हो, जो मैं सह रही हूँ सह रही हूँ, अब और क्या हमें ज़िंदगी दुनिया में लाना है, ये दुनिया में ये बच्चा क्यों आए दुनिया में, इसीलिए मैंने ख़त्म कर दिया. ये एक्सट्रीम पॉवर्टी है जो हमारे पास है. आप जब हम लोग होम एवरीडे होम विजिट्स करते हैं तो लड़कियों को इतने सारे इश्यूज़ हैं. पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल की है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत वहाँ पर जगह काफ़ी कम है, तो स्कूल्स में आपको ना ग्राउंड मिलेगा ना खेलने, सिर्फ वो लोग मिड डे मील्स के लिए स्कूल जाते हैं, उन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्कूल में एक अच्छा सा टॉयलेट भी नहीं है. टॉयलेट बनाया गया है लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल है. आया होती है लेकिन आया की तनख्वाह गवर्नमेंट से नहीं मिलती है. तो ये लाइफ ओल्ड सिटी में बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक्सट्रीम पावर्टी है, और एक्सट्रीम पावर्टी के साथ जो पेट्रियार्कल सेटअप है वो भी उसका जिम्मेदार है. बिल्कुल सही कहा आपने. शाजिया जी, आपसे मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि ये जो बता रही हैं जमीला जी के एक्सट्रीम गुर्बत है, पॉवर्टी है वहाँ पे, तो वहाँ पे चले अवैसी साहब तो एक सीट पे हैं, सरकार तो जो है हैदराबाद का दुनिया में एक नाम सुनते हैं कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, तो क्या वो उस इलाके में नदिया के इस पार क्या वो प्रोविंशियल स्टेट सरकार या फेडरल सरकार सेंट्रल सरकार कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर सकते. नहीं देखिए, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. और अब जमीरा जी जो कह रही है मुझे सुनकर बहुत तकलीफ़ हो रही है, और मैं किसी सरकार की यहाँ पे नुमाइंदगी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप बताइए इतने सालों से जो लोग सत्ता पर काबिज़ हैं, इतने सालों से और इतने रसूख वाले लोग हैं, दुनिया भर में बात करते हैं, कम से कम ऐसी कोई चीज़ और को पर क्या रोशनी नहीं डाल सकते, कुछ कर नहीं सकते क्या? वही जो और सरकारी ही स्कीम्स हैं, खुद से नहीं करना चाहते लेकिन सरकारी स्कीम्स के जरिए क्या कुछ कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते? स्कीम्स बहुत सारी हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता वहां तक, नहीं मतलब वो जो लास्ट आदमी है वहां तक वो चीज नहीं पहुंच पाता. उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लेकिन बहरहाल जो वहां उस पार नदिया के उस कोने में है उसको कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ गरीबी है. और उस गरीबी से निकलने के लिए वो जो आप दुबई की शादियों के बारे में जिक्र कर रहे थे वो एक बड़ा रैकेट है. और एक लड़की की शादी में अगर 5 फैमिली सर्वाइव होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमारी एक लड़की की वजह से हमारे विटनेसेस को कुछ पैसे मिल गए, हमारे उसमें सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं. इट इज नॉट ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी. मैं एक जमीला आप ये बताइए कि इतने 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 करोड़ों रुपए लगे हैं पूरी जो सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स में, जैसे कि टॉयलेट्स को लेकर, तो उसको लेकर वो सब योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं. मैं वो तो टॉयलेट्स की स्टडी भी बताऊंगी, हमने काफी स्टडी किया है. चार मीनार के पास आप जाकर देखिए जो पब्लिक टॉयलेट्स का काम प्लान हुआ था, जो काम हुआ था, अभी उसकी बहुत बुरी हालत है क्योंकि मेंटेनेंस इज अ बिग इशू. स्कूल में टॉयलेट्स हैं लेकिन मेंटेन नहीं हो पा रही, पब्लिक टॉयलेट्स हैं और बहुत दूर दूर हैं लेकिन मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनको साफ करने के लिए कोई तो वहाँ पर होना चाहिए, किसी को तो आप अपॉइंट करना चाहिए,
वो सब कुछ एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। मेरे ख्याल में ओल्ड सिटी को काम करने के लिए आपको वहाँ पर बसना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ब्यूरोक्रेट या चाहे ओवैसी हो चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, वो वहाँ पर रहेगा नहीं, बातें करेगा, सहूलत बताएगा, कुछ दे देगा। देखिए, हमको बांटने वाली चीज़ नहीं चाहिए, हमको खुद से कमा कर जीने के काबिल बनने वाली कुछ तरीके चाहिए, जो स्किल ट्रेनिंग है या उसके अलावा उनको कॉलेज बच्चों को लड़कों को जॉब्स चाहिए, तो वो जो जॉब्स मिलना है वो तो नहीं मिल रहा है। बाकी स्कीम्स मिलती हैं, लेकिन पहले हमारे पास जब KCR के टाइम पे जैसा मिलता था, मतलब कोविड से पहले हमारे पास बहुत बेहतर हाल था, कोविड के बाद तो हमारा बहुत बुरा हाल हो गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शाज़ी अरमी जी का पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी शाज़ी अरमी जी ने ना सिर्फ ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी हकीकत के बारे में आपको बताया, बल्कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। और हाल ही में अभी वो हैदराबाद से होके आई हैं और खुद BJP की स्टार प्रचारक रही और माधवी लता जी से भी मिल के आई हैं। तो इस बार देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हैदराबाद में कौन जीतेगा, क्या माधवी लता जी जीत के इतिहास रचेंगी या ओवैसी अपनी कुर्सी को बरकरार रख पाएंगे जो कि ऑलरेडी डगमगाती हुई दिख रही है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।